हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड एवरीवन इज़ हैविंग अ फन। तो अभी की व्लॉग की मैं शूट कर रहा हूँ 8 PM पर, यानी कि 8:30 बजने जा रहे हैं। तो देखेंगे कल तक क्या क्या सीन मिलेगा इस व्लॉग में देखने के लिए, वो हम आप सबों की तरह इस व्लॉग में आपकी तरह शेयर करेंगे। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। पहले हम नीचे होटल पे जाएंगे, वहाँ पर मैं चाय पीना चाहता हूँ, चाय पियेंगे और वहीं से मैं कोल्ड ड्रिंक भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप सब वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आप सब निकलूँगा, दोस्तों से होटल से यही होटल। बात कहना चाहता हूँ, सबसे अहम और बड़ी बात, मुझे आप सबों की तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। वो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सबों की तरह से वो सपोर्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बिना बकवास के बगैर ही हम यहाँ से निकलेंगे नीचे होटल पे चाय पीने के लिए, और वहाँ से भी जल्दी आएंगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम खाना भी शुरू करेंगे। तो बनी रहे वीडियो के साथ। आई होप आप सबों को आज का जो हमारा व्लॉग है ये पसंद आएगा। तो बिना बकवास के बगैर ही हम यहाँ से निकलेंगे, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी जस्ट वाइल अगो हमारा खाना भी हो चुका है, तो हमने खाना भी खा लिया। अभी हम बिस्तर में हैं, अभी का जो टाइम होने जा रहा है 10:30 होने जा रहा है। तो आज की नाइट देखेंगे कैसे गुजर जाएगी। अगर रात में ही कुछ खास देखने को मिला तो वो भी हम आपकी तरह शेयर करेंगे। तो बने रहे व्लॉग के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जो मैं बार बार बता रहा हूँ आप सबों से, मुझे आप सबों की तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो कि मेरा ड्रीम है वो इंशाल्लाह पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मेरे इस चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, और जो मेरा ड्रीम है इंशाल्लाह फ़िलहाल के लिए तो 1000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए कंप्लीट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की करम व फजल करम से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह कल शाम को इस व्लॉग को अपलोड कर लूँगा। तब तक क्या क्या देखने को मिल जाएगा अपनी लाइफ मोमेंटस, तो लाइफ एंड लिव मोमेंटस आप सब उनकी तरह वो भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस व्लॉग में आप सब उनकी तरह वो शेयर करेंगे। और इस वीडियो को जल्दी है कि ड्रीम भी है कि इस वीडियो को मैं जल्दी कंप्लीट करूं और उसको अपलोड करूं। और बने रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए। फाइनली गाइस, मैं तो नींद से भी उठ चुका हूँ, तो हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। अभी का जो टाइमिंग होने जा रहा है तो 9:40 AM होने जा रहा है। तो पहले हम नीचे जाएंगे और वहाँ से चाय पियेंगे, और मैं यहाँ से बैग भी उठाऊँगा, आप घर की ओर जाएंगे और पहले चाय पियेंगे नीचे कंटेन पे और वहीं से घर भी जाएंगे। आप वीडियो के साथ बनी रहना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। सो गाइस, मैं बहुत देर पहले घर भी पहुंच चुका हूं। तो घर पहुंचते वक्त यहां पे मुझे घर पे फैमिली वाले नहीं मिले, तो मैंने उनको कॉल किया, वो बोल रहे थे हम खेत पे हैं, तो मुझे अभी वहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पेड़ पे उनको थोड़ा सा हेल्प करना है। थोड़ा सा वहां पे वो घास काट रहे हैं, जिसको बोलते हैं कश्मीरी में घास ब्यूआ, तो उसको काटना है वहाँ पर, वो ख़त्म करके फिर और भी ज़्यादा यहाँ से ज़मींदारी भी उठनी शुरू हो गई है, तो बहुत सारा काम है ज़मींदारी के लिए। तो पहले हम वहीं जाएंगे, फिर देखेंगे वहाँ जाके क्या क्या मिल जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहना। तो अभी मैं घर से ही निकलने ही वाला हूँ, थोड़ा सा घर में ज़रा सा काम है, तो उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे ज़मीन की ओर। ये देखिए गाइस, इसको बोलते हैं गोबर, कश्मीरी में बोलते हैं पा। इसको घर वालों ने ख़त्म कर ही लिया होगा कल ही, तो इसको ज़मींदारी वहाँ पर ख़त्म होने के बाद ये हम वहाँ पे ऑटो में इसको लेंगे लोड करियर में, तो फिर इसको वहाँ पे डालेंगे खेत में। तो इससे अच्छा सा राइस बनता है, यानी कि तोमुल चम सकते हैं असल बना, अम सब ज़्यादा मिनरल गसान ज़मीन पद। तो मकलो नो तो वीडियो सी रूज, वीडियो कर स्किप कहें। सो गाइस, मैं अभी जस्ट वाली अपनी खेती पर पहुंच ही गया हूं, तो यहां पर अब ख़त्म होने ही जा रहा है, थोड़ा सा बच चुका है, जो कि मैं आप सबों को अभी बैक कैमरा से दिखाने वाला हूं। कहां पे थोड़ा सा रह गए वो भी दिखाऊंगा आपको, और दो यहां पे आपको अपना ज़मीन भी दिखाऊंगा कहां से क्या है। तो अब पहले घर वालों ने बोला आप कब आए, तो मैंने उनको बोला मैं 10:30 घर ही पहुँच गया, और घर में बहुत सारा काम था वो तो मैंने वहाँ पर ख़त्म करके ही अब यहाँ पर वापस आया। और उन्होंने बोला चाय वहाँ पर कैटल में है और आप पियो, तो पहले मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगा, अपनी ज़मीन दिखाऊँगा आप सबों को और कहाँ पे वो थोड़ा सा घास बोल रह चुका है जो अभी तक नहीं काटा, तो ख़त्म होने ही वाला है। सो उसके बाद मैं आप सबों को वो भी दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना।
सो गाइस, हम अभी यहाँ मनीगाम बाईपास पे आए थे कटिंग करने के लिए, तो अभी हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। ऑफिशियली यहाँ पर हम वाइल ब्रिज पे पहुँच गए, जो हम आप सबों को इस वीडियो में अच्छी तरह से दिखाना चाहते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। वो वहाँ से पुराना ब्रिज है और यहाँ से नया ब्रिज, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सब दोस्त यहाँ पर हर जगहों से फोटोग्राफी उठाने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ से इसको ये सिंध जा रही है, यानी कि कोहिर। तो वहाँ से उसको वो पार्क है जिसको हम कहते हैं मनीगाम पार्क, जो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे आप वहाँ पर एक आ सकते हैं, वहाँ मैं जूम करके आप सबको दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे वो मनीगाम पार्क, और वहाँ सो गाइज, मैं तो कटिंग करने के बाद अपने घर पहुंच गया, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बारिश का मौसम शुरू हुआ, और उसके बाद घर वालों ने पूछा आप ज़मीन पर जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा उस घास को, जो घास बोल था उसको जमा करना था, उसको अब कुछ दिनों के बाद कूटना है। तो वहाँ से वो काम ख़त्म करने के बाद भी अभी मैं घर पर मौजूद हूँ, और अभी हम चाय पियेंगे। जो अभी का टाइम होने जा रहा है वो तो 4:30 होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँ, और चाय भी पीऊँगा। अभी टाइमिंग 4:30 बजने जा रहे हैं, तो चाय अभी पीऊँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस ब्लॉग में इतना ही। मैं आपके साथ एक और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा वो आप अपनी अपनी राय रिगार्डिंग इस ब्लॉग की रिगार्डिंग कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन कर देना। हम आपके साथ एक बार नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।